मेरा नाम सीमा जैन है और मैं दिल्ली में पश्चिम विहार से हूँ। 2016 में मैं स्टेयर से गिर गई थी और मेरी राइट लेग में सब कुछ डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मेरी सर्जरी करनी पड़ी। आफ्टर सर्जरी भी मैं चल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मुझे बार बार प्रॉब्लम चलती रही। बट मेरे को बहुत पेन रहता था, मैं पेन में ही सब काम करती थी और सुबह मॉर्निंग में भी विदाउट नी कैप पहने मुझसे कुछ भी काम नहीं होता था। फिर मेरे सामने एक आंटी रहते हैं, वो 12-13 साल से चेयर पे ही रहते थे और उनकी सर्जरी डॉक्टर साइमन सर ने की थी, तो उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी एक बार डॉक्टर साइमन सर से मिलना चाहिए। मिसेस जैन जब मेरे पास आई थी, उनके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम थी और अनफॉर्चुनेटली इनकी नी में किसी कारणवश थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई और नी आर्थराइटिस हो गया। डॉक्टर साइमन सर ने मेरी कंडीशन देखी तो उन्होंने मुझे पहले मुझे मेडिसिन दी, उसके बाद मुझे 15 डेज बाद बुलाया। उसके बाद मैं डॉक्टर सर के पास आई तो डॉक्टर ने मेरा दोबारा एक्सरे किया, एक्सरे में मेरा सब कुछ डैमेज मिला और उनको मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन ये सब देने के बाद जब आराम नहीं आया तो हमने बायोलैटरल नी रिप्लेसमेंट यानी कि दोनों घुटने की सतह को चेंज करने का हमने प्लान किया। डॉक्टर साइमन सर ने मुझे रोबोटिक सर्जरी के बारे में बोला था तो मैंने उसके बाद रोबोटिक सर्जरी करवाई। अब सर्जरी के बाद मेरी फिजियोथेरेपी चली, फिजियोथेरेपी से मुझे अब काफ़ी आराम है और मैं चलने भी अच्छे से लग गई हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और हमारे यहाँ से उनके दोनों घुटनों की नी रिप्लेसमेंट यानी कि नी रीसर्फेसिंग सर्जरी हुई और आज आपने उनको देखा, वो 1 महीने बाद आराम से बैठी हुई थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.